Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Now we shall apply Norton's theorem to this complicated circuit. इस सर्किट में हमें A और B, ये A और B के बीच में जो 40 ओम है, ये हमें दी हुई है लोड रेजिस्टेंस. हमें कहा गया है इसमें से इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मालूम करो और इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है ये मालूम करो बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम. सो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 40 ओम है ये हमारी लोड रेजिस्टेंस है. तो यहाँ मैं एक तरफ नोट कर लेता हूँ कि आर एल इज इक्वल टू 40 ओम. अब क्या करना, अब हमने इस 40 ओम को यहां से रिमूव कर देना. पहला स्टेप हमने पढ़ा था प्रोसीजर का कि रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस को यहां से हमें रिमूव कर देना. रिमूव कर दिया. अब इन दोनों टर्मिनल ए और बी को आपस में एक वायर के जरिए मिला देना, शॉर्ट सर्किट कर देना. ये ऐसे मिला दे, ये कर दिया हमने शॉर्ट सर्किट. अब इसमें से मालूम करेंगे करंट. वो जो करंट इसमें से हम मालूम करेंगे वो करंट हमारा कहलाएगा आई एन नॉर्टन करंट, या इसी करंट को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट आई एस सी. आई एस सी शॉर्ट सर्किट करंट, ये हमें ए बी से बी से निकालना होगा. तो इसके लिए मैंने कहा था वेरियस प्रोसेसेस हैं. अब एक वेरी सिंपल एक यहाँ पे ये है कि आप जब इस वोल्टेज सोर्स को यहां से करंट आएगा ऐसे, तो इस रेजिस्टेंस में जब यहां पहुंचेगा तो इधर जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, लो रेजिस्टेंस है, तो करंट इसमें से फ्लो करेगा, इधर नहीं जाएगा. तो इसका करंट इधर आएगा और जब इस वोल्टेज सोर्स को यूज करेंगे इसका करंट यहां से होता हुआ वो भी इधर ही आएगा. तो हमें कोई मुश्किल में पड़ने की जरूरत नहीं है. सिंपल ये होगा कि इसका करंट, इस सोर्स का करंट भी यहां से गुजरेगा, इस सोर्स का करंट भी यहां से गुजरेगा. इन दोनों करंट्स को आप कैलकुलेट करके सिंपली प्लस कर लें, वो हमारा हो जाएगा नॉर्टन करंट. दोनों वोल्टेज सोर्सेस करंट सेंड कर रही हैं और दोनों का जो करंट होगा वो ए बी में से डाउनवर्ड ही फ्लो करेगा. इसका करंट यहां से ऐसे आएगा, इसका करंट यहां से ऐसे आएगा. ये करंट हमने मालूम कर लेना है क्योंकि इसका जो करंट 10 वोल्ट वाली बैटरी का जो करंट होगा वो यहां से गुजर के फिर इधर नहीं जाएगा, बल्कि वो क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, जीरो रेजिस्टेंस है, तो वो इस तरफ आएगा. ये करंट हमने मालूम कर लेना. इस करंट को मैं आई वन कहता हूं. आई वन कैसे निकालेंगे, बाय ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर होता है आई, यहां पे ये आई वन मैंने कहा. सो आई वन इज इक्वल टू वी ओवर आर. तो आई वन इज इक्वल टू वी कितना 10, आर कितना 10, ये आ जाएगा 1 एम्पियर. आई वन आ गया, ये 1 एम्पियर करंट ए पे पहुंच गया, इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये 20 ओम ज्यादा रेजिस्टेंस है, इधर नहीं जा सकता, हमेशा टुवर्ड्स दी लो रेजिस्टेंस जाएगा. तो लो रेजिस्टेंस ये इधर आ जाएगा. इसका बिल्कुल उसी तरह इसका करंट कितना होगा, ये आई टू, करंट को मैं आई टू कहता हूँ. आई टू इज इक्वल टू वी ओवर आर, V कितना 20/20, ये भी 1 एम्पियर आ जाएगा. इसका मतलब I2 भी 1 एम्पियर है. तो ये 1 एम्पियर, इस करंट का सोर्स भी, सोर्स का करंट भी 1 एम्पियर, इसका भी 1 1 + 1 2. ये दोनों करंट्स को प्लस कर लें तो यहाँ से ये करंट गुजर रहा है नॉर्टन करंट्स को हमने कहा था, ये हो जाएगा नॉर्टन करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर. तो ये हमारा आ गया आई एन, नॉर्टन करंट आई एन इज इक्वल टू 2 एम्पियर. इसको आप चाहें तो आप इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम इस वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे, इसको यहाँ से हम जो है वो इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, फिर क्या होगा, फिर ये दोनों पैरेलल में होंगे. इन दोनों की आप इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा, उससे फिर आप लोग करंट निकालिएगा, वो करंट फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर जो
जो तरीका कार मैंने बताया था आपको करंट डिवीजन रूल का, फिर आप यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहे हो निकाल सकते हैं, वो भी तरीका ठीक है। इस तरह आप बिल्कुल सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये हमारा करंट आ गया। नौ अब हमें निकालनी नॉर्टन रेजिस्टेंस। नॉर्टन रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे हम, दोबारा इन टर्मिनल को यहां से रिमूव कर देंगे। रिमूव कर दिया, फिर वोल्टेज सोर्सेज को, करंट सोर्सेज को हमने कहा था हम वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्सेज को यहां से जो है वो हम करंट सोर्सेज को ओपन कर देंगे। तो करंट सोर्स तो है ही नहीं, तो वोल्टेज सोर्सेज को हमने ऐसे में शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो इनके बीच में कितनी रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वो मालूम कर लेंगे। इतना सिंपल हो गया। ए ए और बी इन दोनों टर्मिनल, ये और ये दोनों रेजिस्टेंसेज 10 और इसके इर्द गिर्द लगे हुए हैं। ये हमारे दो टर्मिनल है ना, ये भी रेजिस्टेंस इधर लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस इधर लगी हुई है। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में, दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में। तो पैरेलल में हम जानते हैं जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ओवर सम। तो इनकी इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी, इसको बोलेंगे आर नॉर्टन इज इक्वल टू ये दोनों 20 और 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 20 प्लस 10 जाएगा 200 डिवाइड बाय 30 ये कट गया 20 बाय 3 ये 6.67 आई थिंक आता है। तो आप इसको डिवाइड कर लें 20 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 6.67 ओम। दिस इज आर एम। ये हमारी आ गई आर एम। नो अब इस सर्किट को आप रिमूव करें, इस सर्किट को अब आप कन्वर्ट कर लें। हमारे पास तीन चीजें आ चुकी हैं, आर एन तो पहले पता था, आई एन और आर एन। तो हमें कहा था हम क्या करेंगे, पहले आ गई करंट सोर्स, ये करंट सोर्स आ गई आई एन विच इज 2 एम्पीयर। पैरेलल में नॉर्टन रेजिस्टेंस आ जाएगी, ये नॉर्टन रेजिस्टेंस आ गई पैरेलल में आर एन, और उसके बाद पैरेलल में आ जाएगी लोड रेजिस्टेंस जो हमने ए और बी, ये लोड रेजिस्टेंस जो हमें दी गई थी 40 ओम। ये 40 ओम ये है जी 6.67 ओम, और ये आई एन था हमारे पास 2 एम्पीयर। ये सर्किट सॉल्व हो गया। अब हमने करना ये है, अब हमने इस वो इसके क्रॉस वोल्टेज मालूम करना वी आई, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज है। तो वोल्टेज का मालूम है जब हमें करंट पता हो। करंट कैसे मालूम करेंगे, करंट अब जो मेन करंट हमारा आ रहा है यहाँ से, ये 2 एम्पीयर आ रहा है, करंट आ रहा है यहाँ से 2 एम्पीयर, यहाँ पे वो पैरेलल में डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा कुछ करंट इधर जाएगा। अब वही तरीका जो मैंने आपको करंट डिवीजन रूल बताया था, हमने निकाला है इस रेजिस्टेंस में से करंट, इसको बोलते हैं आई एल। आई एल करंट थ्रू लोड इज इक्वल टू मेन करंट, मेन करंट है हमारा 2 इनटू अदर रेजिस्टेंस, इसके अदर कौन से, ये वाले 6.67 डिवाइडेड बाय सम, सम दोनों का सम है 40 प्लस 6.67। फॉर्मूला लिखना चाहो, फॉर्मूला क्या है, आई एन इज इक्वल टू सॉरी आई एल इज इक्वल टू आई एन इंटू अदर रेजिस्टेंस आर एन, आई एन आर एन ओवर आर एन प्लस आर एल। ये हमारा फॉर्मूला है करंट निकालने का। तो यहां पे आई एन की वैल्यू 2, आर एन की वैल्यू 6.67 ओवर 40 प्लस। इसको आप सॉल्व कर लें विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ये आ जाएगा जी 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 13.34 डिवाइडेड बाय ये देखो 46.67 सॉल्व करें डिवाइडेड बाय 46.67 वी गेट 0.28,
0.28 एम्पेयर। तो आई एल हमारे पास आ गया 0.28 एम्पेयर। IL is equal to 0.28 ampere. तो VL कितना आ जाएगा? VL is equal to IL RL. यहाँ से VL IRL. तो VL is equal to IL आगा 0.28 into RL हमारा 40. This is multiplied by 40, we get 11.4 volts. तो हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस द लोड आ गया 11.4, करंट थ्रू द लोड आ गया 0.28 एम्पीयर। ये करिए हमारा क्वेश्चन।